नमस्ते दोस्तों, गीता की रसोई एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी आलू के सेब, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने गैस पे भगोना रखा था, उसमें डाल दिया है नमक और आलू मैंने लिए थे, और आलू को कद्दूकस कर लिया था। पहले अच्छे से छिलके उतार लिए, फिर उसके बाद में, तो ये आलू है लाल वाला, आप लोग देख सकते हैं। और इधर मैंने मतलब कद्दूकस लेके और आलू का सेब बनाया, वो कद्दूकस कर लिया था। तो अब चलिए आप लोग, मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फिर से मैं गैस के पास पहुँच गई और पानी रख दिया है और उसमें नमक भी डाल दिया था, आप लोग देख चुके हैं। और पानी को ना गर्म होने देंगे और उसके बाद में डाल दूंगी ये कद्दूकस किया हुआ आलू। इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, हल्का बॉयल करेंगे, क्योंकि ये पतला पहले से ही है और ज़्यादा बॉयल कर देंगे तो ये घुल जाएगा। तो मैं चेक कर लेती हूँ, तो बॉयल हो चुका है। पानी गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे 5 से 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा मतलब पक जाए, और उसके बाद में इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये लगभग पक चुका है, मैं घुमा घुमा के इसको पका रही थी। और इसको चलाते रहेंगे ताकि जो ऊपर है वो भी अच्छे से पक जाए, और इस तरीके से। और ये नमक डाल दिया था और फिटकरी थोड़ी सी डाल दी थी, तो इसमें फेना हो जाता है और जो आलू और वो होते हैं सॉफ्ट रहते हैं और अच्छे वाइट रहते हैं। तो इधर पक गया था तो मैंने ये निकाल लिया था, और निकाल के चारपाई पे मतलब डाल दिया था सूखने के लिए। तो वही मैं मतलब डाल रही थी, चारों तरफ फैला रही थी। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इधर फैला दिया था मैंने, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।